ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद की खुशियाँ ईद की खुशियाँ ईद की खुशियाँ ईद की खुशियाँ ईद की खुशियाँ। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में आए हुए प्रवासी मजदूरों के लिए उचित स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के पश्चात ही उन्हें गांव में प्रवेश करने दिया जाता है। ग्राम प्रधान ने बताया कि आए हुए सभी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। पहले बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन ग्राम सभा की प्राथमिक विद्यालय में किया जाता था, लेकिन अब शासन के आदेशानुसार होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी ग्राम सभा में गठित निगरानी समिति के द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि बाहर से आए हुए लोगों के खान पान की उचित व्यवस्था की जाती है। क्वारंटाइन किए गए लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। हम हैं उसमें, जो है हमको बनाया गया है सचिव। बराबर कार्यक्रम जी, आप वॉलंटियर जगह जगह तैनात हैं जी। गांव में आपने छिड़काव का काम किया है जी? कब करवाया? छिड़काव हम करवाए थे, शुरू में ही करवाए थे। मोहल्ले का नाम बताया? मोहल्ला जैसे मल्लाही टोला, असियाना, इधर पंचायत घर साइड, हर जगह करवाए। और आपने अधिक कुछ काम किया हो जनता के लिए बताने के लिए? लॉकडाउन में भी तो लॉकडाउन गरीबों को खाना बांटना, हाँ जो जो है मतलब कि मजबूर हैं, जो काम धाम पे नहीं जा रहे हैं, तो भाई जो आता है उनकी सेवा जरूर करते हैं। अपनी जनता को आप भी शुभकामना देते हैं, सभी भाई एवं बहनों ग्रामवासियों ईद की, देशवासियों की ईद की बधाई।